नमस्कार, स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात होगी अंतिम चरण में हुए मतदान की। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौर में आज मतदाताओं ने अंतिम चरण का मतदान भी कर दिया है। 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई और इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तीसरे चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव भी खत्म हो गया। अब सभी की निगाहें 10 नवंबर पर है और जब वोटों की गिनती होगी। इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस बीच एलजेपी ने अलग चुनाव लड़कर मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। वहीं अलायंस ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार चुनाव को अलग रंग देने की कोशिश की। बिहार की गद्दी पर कब्जा के लिए सभी दलों ने धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। अब जबकि जनता ने सभी दलों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया है, तो अब सभी की यही जानने में दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। आज हम सभी दलों के चुनाव प्रचार, तीनों चरणों में हुई वोटिंग पैटर्न और जनता के मूड का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और 10 नवंबर को आखिर बिहार किसके पास जा सकता है, बात इसकी भी होगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तीसरे चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए चुनाव खत्म हो गया। अब सभी की निगाहें 10 नवंबर पर है जब वोटों की गिनती होगी। इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है और इस बीच एलजेपी ने अलग चुनाव लड़कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वहीं अलायंस ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार चुनाव को अलग रंग देने की कोशिश की है। बिहार की गद्दी पर कब्जे के लिए सभी दलों ने धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान 7 सितंबर से शुरू हुआ था और करीब 2 महीने बाद 5 नवंबर तक चला। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर बिहार का चुनाव लड़ा। लिहाजा बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिनों में अलग अलग स्थानों पर 12 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वालों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी करीब 2 दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कुल 19 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं बिहार में एनडीए का चेहरा रहे नीतीश कुमार ने 23 दिन तक लगातार चले प्रचार अभियान में 100 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के 88 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, जबकि 10 विधानसभा सीटों पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे, तो 2 सीटों पर वो जीतन राम मांझी की हम पार्टी के लिए भी चुनावी सभा में शामिल हुए। लेकिन अपने आखिरी चरण के आखिरी प्रचार के दौरान नीतीश ने जो दांव खेला, इससे सभी हैरान रह गए। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने इसे अपना आखिरी चुनाव कहते हुए जनता से वोट की अपील की। इस बयान पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष इसे नीतीश कुमार के चुनावी नतीजों से पहले ही हार स्वीकार करने के तौर पर प्रचारित कर रहा है, लेकिन सियासत के अंदर माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में जो इमोशनल दांव खेला है, उसका बिहार की जनता पर कितना असर हुआ, वो तो 10 नवंबर के नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी और चिराग पासवान नीतीश के आखिरी दांव से परेशान जरूर दिखे। उधर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ही सबसे बड़ा चेहरा साबित हुए। उन्होंने अकेले 251 से भी ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इनमें अकेले एक दिन में 19 चुनावी सभा करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। ये रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की एक दिन में रिकॉर्ड सभाओं को तोड़ते हुए बनाया। तेजस्वी की चुनावी रैलियों में भी खूब भीड़ जुटी, जो एनडीए के लिए परेशानी का कारण रही। वहीं महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने कुल 8 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जिसमें उनके निशाने पर ज्यादातर पीएम मोदी ही रहे।
चिराग पासवान अपनी पार्टी एलजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे तो उन्होंने भी करीब 100 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पूरे चुनाव प्रचार में एलजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार रहे। ऐसा कोई मौका नहीं रहा जब चिराग पासवान ने नीतीश की मजम्मत करने में कोई कोर कसर छोड़ी हो। इस चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बीजेपी से दोस्ती और जेडीयू से दुश्मनी वाला स्टैंड भी जनता को कंफ्यूज करता रहा। बीजेपी ने नीतीश का साथ जरूर दिया लेकिन चिराग का विरोध भी नहीं किया। अब इसका बिहार की जनता ने क्या मतलब निकाला और वो भी 10 नवंबर को ही यहां पता चल जाएगा। इस चुनाव में बेरोजगारी और रोजगार देने का दावा बड़ा मुद्दा रहा। आरजेडी ने सत्ता में आने पर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया तो बीजेपी ने लाइन बड़ी करते हुए दोबारा सरकार बनने पर 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही। वहीं विकास के मुद्दे मसलन बिजली पानी सड़क पर भी आरोप प्रत्यारोप के बीच चीन पाकिस्तान और राम मंदिर CAA और NRC को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। CAA NRC मुद्दे पर तो NDA में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़ गए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान NDA ने महागठबंधन के सत्ता में आने पर बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी का डर दिखाया तो महागठबंधन ने नीतीश के 15 साल के शासन को कटघरे में खड़ा किया। अब 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किसके वायदे पर एतबार किया है और किसे नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और ऐसे में जाहिर तौर पर अब सभी की निगाहें 10 नवंबर पर टिक गई है कि 10 नवंबर पर आखिर क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आएंगे और बिहार किसका होगा। सभी की निगाहें इस बात पर टिक गई है क्योंकि 243 सीटों पर अब चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बिहार की जनता ने किसको जीत का ताज पहनाया है, क्योंकि इस चुनाव में NDA और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दी और इस बीच LJP ने अलग चुनाव लड़कर इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ राजेश यादव जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष RJD के नेता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और इस वक्त हमारे साथ यामिनी मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोजपा के, आपका भी सर बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अवधेश उपाध्याय जी आपसे है क्योंकि तीनों चरणों के चुनाव अब संपन्न हो गए, यानी कि 243 सीटों पर अब चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं, बिहार कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर? देखिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी तीन मतदान हुए हैं आज के, जैसा कि आपने बताया उन तीनों चरणों के जो विश्लेषण है जो कुछ पत्रकार बंधु दिखा रहे हैं उनके आधार पर यदि देखा जाए तो बिहार की जनता का जनादेश जो है माननीय नीतीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि एक तरफ जो है बिहार में डबल इंजन की सरकार है और दूसरी तरफ डबल डबल युवराज हैं। जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सर डबल इंजन की सरकार है, काम के प्रति विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन क्या वो विकास दिखा? बता रहा हूँ क्या वो विकास दिखा क्या सर? बिल्कुल विकास दिखा। आप ये देखिए जो पहले जंगल राज था, जो पहले लूटपाट होती थी, उठाई गिरी होती थी बिहार में, वो कहाँ है अब? और दूसरी बात जो लोग की बात करते हैं, जो लालू जी की सरकार थी 15 साल, नहीं विकास का क्या पैमाना है सर? अवधेश जी विकास का पैमाना क्या है? विकास का नया जी विकास का पैमाना ये है कि जो पहले जो 15 साल में जो RJD की सरकार थी उसमें 90,000 नौकरियां मिली थी सरकारी, और नीतीश कुमार जी की सरकार जब रही है तब 6 लाख नौकरियां मिली है सरकारी नौकरियां, और जो विकास जो है अभी। लेकिन सर 6 लाख नौकरियां अगर आप 15 साल में देते हैं और अब वायदा करते हैं कि हम 19 लाख दे देंगे, सर 15 सालों में 6 लाख, सुन लीजिए अवधेश जी, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, 15 सालों में 6 लाख और 5 सालों में 19 लाख संभव है क्या? अगर हाँ तो कैसे? देखिए बिल्कुल संभव है, मैं बताता हूँ नेहा जी। छपरा में जो है वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनेगा, ठीक है? जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो है मेडिकल स्टोर खुलेंगे, डायग्नोस्टिक स्टोर खुलेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं होंगी जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो लोग कह रहे हैं 10 लाख रुपए देंगे उनसे पूछिए 10 लाख रुपए कैसे देंगे, वो जब खुद ही नौवीं पास है, वो ग्रेजुएट को कैसे नौकरी देंगे? बिहार की जनता सब जानती है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बुढ़ी अम्मा का भी वीडियो वायरल हुआ है, एक मीडिया में इंटरव्यू लिया था उनका, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने हमें ये दिया, मोदी जी ने हमें ये दिया,
ये मोदी जी ने हमें ये दिया, इसलिए हम वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, क्योंकि जो विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है बिहार वो पहले हुआ ना आगे होगा। ठीक है, राजेश यादव जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम सत्ता में लौटे तो हम 19 लाख रोजगार देंगे, 15 सालों में 6 लाख दिया और अब 5 सालों में 19 लाख रोजगार देंगे। सर सवाल इस बात को लेकर है कि जब 19 लाख और 20 लाख रोजगार देना ही था तो ये 15 साल कम क्यों पड़े? नेहा जी, चुनाव में तीनों चरणों में काफी पीछे हैं, हार रहे हैं और इन लोग के पास कोई मुद्दा विकास होती है, विकास किए तो विकास की बात इन्होंने कभी चुनाव में किया नहीं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या नीतीश जी हों, दो तीन बात को जिक्र किया, सड़क पानी बिजली का जिक्र किया, रोजगार की तो बात नहीं कर रहे थे। लास्ट में कहे कि हमने 6 लाख जन्म किए, तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने कहा कि 10 लाख का पैसा आएगा कहाँ से, तो 6 लाख यदि रोजगार दिए, नौकरी दिए नीतीश जी, तो पैसा आया कहाँ से? सवाल बिहार की जनता सब देख रही थी कि क्या क्या वादे नीतीश जी कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने कहा 6 लाख, सब 10 लाख, तो कहे कहाँ से पैसे आएंगे? दूसरी महीने के बाद उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर दिया भाजपा ने हम 19 लाख देंगे। इस पर नीतीश जी ने कोई बात कहा नहीं कि वो लोग 19 लाख कहाँ से देंगे, रोजगार कहाँ से देंगे, नौकरी कहाँ से देंगे। तो सारी मुद्दा को, सारी बात को बिहार की जनता देख रही थी, प्रथम चरण से लेके द्वितीय चरण में और आज जो चुनाव हो रहे हैं। नहीं, जिस बात का जिक्र अभी अवधेश उपाध्याय जी कर रहे थे कि वो खुद तो पड़े हुए नहीं है तेजस्वी यादव, और ये समस्या कहीं ना कहीं पार्टी में भी दिखाई दी, क्योंकि पार्टी में भी जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, वो उनको सुनने को तैयार नहीं। क्या वजह है सर इसके पीछे? क्या ये समझा जाए कि अगर 9वीं वो पास नहीं कर पाए तो क्या प्रदेश को ढंग से नहीं चला पाएंगे क्या? अवधेश बाबू कितने पढ़े लिखे मैं नहीं जानता हूँ, केंद्र में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो नॉन मैट्रिक हैं और मैट्रिक हैं, 7वां पास है 8वां पास है और वही चला रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। बहुत से लोगों को हम जानते हैं कि क्या है उनका, उस पर चर्चा नहीं। पहले तेजस्वी जी ने जो बात कहा बिहार की जनता के सामने, बिहार की जनता ने उसको माना, क्योंकि राजेश जी ये तो आरजेडी का इतिहास रहा है सर। राबड़ी देवी भी बनी मुख्यमंत्री, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। राबड़ी देवी जी बनी तो राबड़ी देवी जी काम किए कि नहीं किए? और तेजस्वी जी जो हैं, तेजस्वी जी का उनके जो बात कर रहे हैं, बात का है और सारे चीज का बात को लेकर के तेजस्वी जी ने, पढ़ाई जरूरी है, ऐसे ही है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ उनका जो सोच है, सोच को देखिए ना कि सोच उनका क्या है और उनका सोच, इन लोगों का सोच क्या, इन लोगों का सोच है नहीं। तो सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या ये जो मसला है ये क्या बहुत अहम है, और क्या बिहार वासियों के जहन में ये मसला आया होगा कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को आगे कर सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए जो कि कम पढ़ा लिखा है? ये एक मसला रहा क्या इस चुनावों में? इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री बने हैं जो आपका अनमैट्रिक रहे हैं, अनमैट्रिक रहे बने हैं, दूसरे प्रदेशों में भी बने हैं, यही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी बने हैं, बिहार की बात नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी कई ऐसे बने हैं जिनका क्वालिफिकेशन कम रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठ जाता है क्योंकि आरजेडी के खुद के नेता ही कहीं ना कहीं इस बात को नकार रहे थे, उनको सुनने को तैयार नहीं है। बीच में हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन को छोड़ के अलग रास्ता उन्होंने अख्तियार कर लिया। क्वालिफिकेशन को देखना चाहिए, पर होना चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ही होना चाहिए, उनसे बड़े बड़े बहुत पढ़े हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एमए किए हैं, एलएलबी किए हुए हैं, बहुत से लोग हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी में, उनको होना चाहिए था। तो पढ़ाई कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हमारा सोच क्या है, हम जहाँ पर हम काम करना चाहते हैं, हम उनके लोगों के लिए, राज्य के लिए हम सोचते क्या, उस राज्य के। ठीक, अवधेश उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि हम बहुत आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, अगर इतने ही आश्वस्त हैं आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों से एन पहले कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर देते हैं और उसके बाद 19 लाख नौकरियां देने का जो वायदा किया गया, अगर आप अपने विकास पर इतना ही ज्यादा आश्वस्त हैं
कि एक बार फिर से बिहार की जनता हमें चुनेगी या सुशासन बाबू के नाम पर वोट लगाएगी देगी या मोदी के नाम पे वोट दिया जाएगा? नीतीश के काम पे और मोदी के नाम पर जब इतना भरोसा था तो इन परियोजनाओं के शिलान्यास की जरूरत क्यों आन पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार ने जो आखिरी दांव चला अपने रिटायरमेंट को लेकर, उसकी क्यों जरूरत आन पड़ी? संकल्प लिया है विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास, संकल्प जन के साथ भाजपा चल रही है, उसके साथ जो परियोजना जो लागू की जाती है वो चुनाव को लेकर नहीं की जाती है। ये योजना तो पहले से चल रही है, क्या कुछ समय पहले उत्तराखंड में की थी आपको याद होगा, इसीलिए बिहार में की गई। बिहार में पटना जो है आपको बता दू 1400 बेड का जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इसके लिए केंद्र ने 250 करोड़ रुपए दिए थे। आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मैं इनसे पूछता हूँ, बैठे हुए हैं मेडिकल कॉलेज खुले, नाम तो बताइए। अब जी कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं नाम बताइए, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं नाम बताइए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं नाम बताइए, उसमें पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए, क्लास चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं वो बताइए, बिल्डिंग बना है या नहीं बना वो बताइए ना, कितने कॉलेज चलिए। इस वक्त हमारे साथ यामिनी मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है यामिनी जी आपका। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बिहार में देखने के लिए मिली, आप चिराग पासवान ने भी तकरीबन 100 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया, जिस तरह से भीड़ जुटी चिराग पासवान की रैलियों में, वो वोटों में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाई है ये जाहिर तौर पर 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस भीड़ ने कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन की जो चिंताएं हैं उसको बढ़ा दिया है, क्या मानते हैं आप? मैडम बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। जहां तक चिराग पासवान जी का सवाल है, ये जितने भी मुद्दे हैं रोजगार शिक्षा पलायन, हम लोग की पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा बिहार की जनता और बिहार के जनमानस के मुद्दों के साथ हमेशा खड़े नजर आए, और इसका ये प्रतिफल नजर आया कि वो बिहार की पूरी जनता जिस भी कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए वो जन सैलाब की तरह नजर आया जी। और 10 तारीख के दिन आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और एक सशक्त सरकार बनाएगी। लेकिन आप तो बीजेपी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि नीतीश की जरूरत है प्रदेश को एक बार फिर से, तो हमें वोट दीजिए। जहां तक देश के प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को हमने पिछले कार्यकाल से देखा है और हम लोग की आस्था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी में। क्या लोजपा को यही लगता है कि भाजपा के सहारे ही उसकी नैया पार लगेगी, इसलिए भाजपा का नाम पूरे चुनाव प्रचार में गूंजता रहा? हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं, हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, क्योंकि हमारे नेता का जो की जो आस्था है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी में है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी और देश के आप लोगों की आस्था से प्रधानमंत्री में है, लेकिन प्रधानमंत्री की आप में नहीं है जी, प्रधानमंत्री की तो आप में नहीं है, प्रधानमंत्री जी ही तो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में तो सब कुछ है। आप लोजपा की आस्था प्रधानमंत्री में है, लेकिन प्रधानमंत्री की आस्था नीतीश बाबू में है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भगवान राम से नारद भगवान ने पूछा कि हनुमान कि आप किनको किन किन लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं और एक कागज पे नाम लिख दीजिए, और शाम को जब नारद भगवान जब लौटते हैं तो उन्होंने भगवान राम से पूछा कि इसमें कहा कि जो दिल में रहता है उसका नाम कागज पे नहीं होता है। तो हमारे नेता आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नेता कौन है आपके? चिराग पासवान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पूरी आस्था देश के प्रधानमंत्री जी में जी। लेकिन प्रधानमंत्री, वही तो सवाल मेरा है सर आपसे, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री में आपकी आस्था है, प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखते हैं बिहार की जनता के नाम, वो कहते हैं कि नीतीश की जरूरत प्रदेश को है
और प्रदेश में एक बार फिर से नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, ये उनका कहना है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लोजपा भाजपा के सहारे ही अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश में जुटी रही, और लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या वो अपनी नैया को पार लगा पाई। स्पेशल एडिशन में बात दरअसल हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। अब सभी की निगाहें 10 नवंबर को होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई है, और ये 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि आखिर बिहार की जनता ने किसे सर आंखों पर बैठाया है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, और इस वक्त हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, सबसे बड़ा और अहम सवाल इस बात को लेकर कि बिहार की जनता किस ओर गई है, क्योंकि लगातार एंटी इनकम्बेंसी की भी बात की जा रही थी, लगातार इस बात को भी कहा जा रहा था कि अगर एक बार फिर से नीतीश सरकार आती है तो भी कुछ बेहतर काम नहीं होगा, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जाता इसमें। और ये भी बात उठी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि तस्वीरें तो पूरी तरह से 10 तारीख को ही साफ होगी, लेकिन बिहार की जनता का रुख इस बार कैसा रहा? देखिए, जहां तक नीतीश जी के सुशासन की बात है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर जो इससे पहले लालू जी के समय में जो एक अराजकता थी, जो एक भ्रष्टाचार था, इन चीज़ों पर जो सड़कें वहाँ की जो ध्वस्त थीं, फिरौती थी, अपहरण थे, अपराध थे, इन चीज़ों पर तो प्रभावी ढंग से निसंदेह अंकुश लगाया, ये सभी लोग स्वीकार भी करते हैं। लेकिन ये राजनीति है, क्योंकि 15 वर्ष एक दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो एंटी कन्वेंसी 3 कार्यकाल नीतीश कुमार जी अपना पूरा कर चुके हैं, और इस बार विपक्ष ने संयुक्त रूप से जो एक विपक्ष तैयार हुआ, और उसमें जिसमें कांग्रेस और जेडीयू और बाकी और जो छोटे थे इन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि जो एजेंडा उन्होंने सेट किया, जो एजेंडा उन्होंने तैयार करके नीतीश जी के सामने रखा, उसमें नीतीश कुमार जी को उसने फांस लिया, और उसका वो जवाब चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, तो बेरोजगारी के मसले को लेके जो वहाँ की बड़ी अहम समस्या है, जो वहाँ के बिहार के लोगों का पलायन का कारण भी बनता है, चाहे वो मजदूरी को लेकर हो, मजदूरों हो, चाहे वो युवक पढ़े लिखे हो, वो एक और युवकों की संख्या वहाँ ज़्यादा है, तो बेरोजगारी का मुद्दा वहाँ पर बड़ा प्रभावी ढंग से उठ के आया, और उस एजेंडे में चाहे वो मजदूरों का पलायन का मामला हो, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, ऐसे मामले में नीतीश कुमार की जो कमियां रही हैं उसको पूरी तरीके से विपक्ष ने वहां एजेंडा सेट करके और नीतीश कुमार जी को घेर लिया। जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए अगर आप देखें तो तब तक तो नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से संघर्ष और लड़ाई लड़ते हुए बराबर के मोर्चे पर खड़े रहे, लेकिन तीसरे चरण में आके, तीसरा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वो एक मुस्लिम बाहुल्य भी था, जो बीजेपी और नीतीश जी के गठबंधन को के लिए एक वहाँ एक कड़ी चुनौती भी थी, इस तीसरे जो आज मतदान हुआ है, तो उसने इन्होंने जो एजेंडा सेट कर दिया उसमें नीतीश कुमार जी फंस गए, और उसमें उनको ये आखिर में अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा कि ये हमारा आखिरी कार्यकाल होगा। क्या कहीं ना कहीं ये इससे जोड़ के देखा जा सकता है प्रमोद जी कि नीतीश कुमार को डर था इन 2 चुनावों में कि जो 2 चरणों में चुनाव हुए कि हमारे पक्ष में बहुत कम वोटिंग हो सकता है हुई हो और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर गया हो, इसीलिए एंड में आखिरी रैली में उन्होंने ये दांव चल दिया और एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, ऐसे जोड़ के देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे, निश्चित रूप से। और दूसरे देखिए, 2 रैलियों को अगर आप देखें शुरू से ही, जब ये चुनाव प्रचार अपनी उरूज पर आया तो वहाँ पर जो तेजस्वी और विपक्ष की राहुल जी की रैलियों में जिस ढंग की भीड़ जुटी, आप सब लोगों ने, हम आप सब लोगों ने, पूरे देश ने और बिहार की जनता ने भी ये देखा कि जो भीड़ उमड़ रही थी वो अब की प्रधानमंत्री की रैली में भी उतना जन सैलाव नहीं था जो जन सैलाव वहाँ था। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वहाँ की जो बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है, जो तेजस्वी जी ने 10 लाख का अपना एक काउंटर
बहुत जबरदस्त काउंटर मारा उन्होंने और 10 लाख रोजगार देने की बात करी, जिसके जवाब में नीतीश जी और उसके गठबंधन को ये बात कहना पड़ा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो जबकि ये उछाल दिया उन्होंने और उसकी पहल उन्होंने बढ़त ले ली थी। तो स्टार्टिंग में ही तेजस्वी के गठबंधन ने, जेडीयू कांग्रेस के जो गठबंधन था, इसने मतलब बहुत सुनियोजित ढंग से, और ये चालक की भी भूमि रही है, तो वो एक चालक की रणनीति पर जिस ढंग से नीतीश जी को घेरा, वो निश्चित रूप से, ये तो अब पता लगेगा 10 तारीख को कि 10 तारीख को रिजल्ट्स क्या आते हैं, मतदाताओं का रुख क्या होता है। बिल्कुल 10 तारीख को ही तय होगा कि मतदाताओं का रुख क्या रहा है। लेकिन इसमें एक अहम फैक्टर और भी रहा, आखिरी रैली के दौरान, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान हमने ये बात भी देखी कि योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी प्रचार कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम NRC के तहत घुसपैठियों को भगा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को नहीं भगा जाने देंगे, हर कोई यहाँ देश का वासी है और हम किसी को नहीं जाने देंगे। ये जो डबल फैक्टर है अवधेश जी, ये कैसे काम करेगा? एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम नहीं जाने देंगे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम तो घुसपैठियों को भगा देंगे। क्या रहेगा इसमें, NRC रहेगा या नहीं रहेगा, क्या कैसे देखें? नहीं नहीं, देखिए NRC के, अवधेश जी, अवधेश जी सवाल है, प्रमोद जी मैं लौटूंगी आपके पास। अवधेश जी बताओ, जो माननीय योगी जी ने कहा या जो माननीय नीतीश जी ने कहा, वो अभी उन्होंने कहा NRC तो आएगी, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के आए हुए, उनको तो निकाल दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर जो बाहर के आए हुए हैं, बाहर के जो मुस्लिम है, उनकी वजह से हमारे देश का मुस्लिम बदनाम होता है, करते वो है और भुगतता हमारे देश का मुस्लिम है। और बात रही अभी जैसे प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे थे भीड़ की बात, तो 2010 में जब लालू जी ने चुनाव लड़ा था, नहीं, तो NRC के विषय को हम कैसे देखें? राजेश यादव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एक ही गठबंधन, दो अलग अलग बयान निकल के सामने आते हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, कैसे इसे देखा जाए? जी लोग का दोहरा, दोहरी सदस्यता है इन लोग, जिसके पास दोहरा चरित्र रहेगा, दोहरी सदस्यता रहेगा, ये लोग कुछ भी उनकी बातों पर एक आध बार जनता भर्म में आ जाता है, उनके में आ जाता है, हवा उनके छुपाव में आ जाती है, लेकिन लगातार उसी बातों को लेकर के जो बोलते चल रहे हैं, बोल रहे हैं, इस बार जनता ने बात को समझ लिया। बिहार की जनता, बिहार की जनता बड़ी जागरूक है, राजनीतिक रूप से भी है, सामाजिक रूप से है, और बात को इस बार पकड़ लिया बिहार की जनता ने। अरे जो जदयू और भाजपा के जदयू जो बोल रहा था कि नहीं 2015 में नीतीश जी के चलते हम राजद जीता है, तो इस बार हमारे गुगली में, लालू जी के गुगली में ही फंस गए, और हम लोगों ने तय कर दिया कि आप लड़ लीजिए, अकेले लड़ लीजिए, आप इतने जनाधार वाले हैं, सुशासन बाबू हैं, 15 साल आपने सुशासन, 15 साल सुशासन रहे। और एक बात और निहाज जी बता दें आपको, अभी प्रमोद बाबू बोल रहे थे 15 साल, तो 90 से 94 तक नीतीश जी एंड कंपनी जो है उनका, वो लालू जी के साथ रहे थे। 90 से 94 तक तो यही लोग थे, इन्हीं से कार्यकाल में इनके रहते हुए जो आरोप लगा, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा हम लोगों को, और एक आरोप लगवा करके भाग गए 94 में, तो 94 में तो लालू जी के साथ थे, इनके कैबिनेट मंत्री अभी जो है, अभी देखिए हमको जनरल राज बोल रहे हैं, राम गोपाल जी कहाँ से 15 साल तक हमारे साथ थे, और लोग बहुत से नेता इनके साथ चले गए हम लोग के साथ, तो उनको तो नहीं बोलते हैं लोग, तो बिहार की जनता देख रही है कि हमारे साथ रहने वाले को आप ले 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 गए, तो वहाँ बहुत अच्छे हो गए और लालू जी हो गए बदनाम। तो इसलिए सारे को इस बार जनता ने देखा है, वहाँ बिहार की जनता ने, और देख करके अनुभव किया है, और अनुभव के आधार पर इस बार बदलाव का संकेत तो पहले चरण में हो गया था, संकेत तो चुनावी दौर में ही हो गया था कि इस बार ये लोग हारेंगे, और उसी के अनुसार जनता ने, मतदाताओं ने भारी मत दिया है महागठबंधन के पक्ष में। आज भी जो चुनाव हुए हैं, कोसी प्रमंडल है, गंडक है, और सीमांचल है, जो सीमांचल की बात बार बार लोग जिक्र करते हैं, इसी चीज आगे कहते हैं कि कोई बाहर नहीं जाएगा, अरे यहीं के लोग हैं, आप उनको डरा रहे हैं कि कोई बाहर नहीं जाएगा, एक बोलते हैं जो भी जाके आए बोलते हैं कि हम किसी को रहने नहीं देंगे, और राज इनका है, सरकार राज उनकी है, हमारा राज है, हम ही को आप डरा धमका रहे हैं, हम जाने नहीं, एक बोल रहा है कि हम जाने नहीं देंगे, दूसरा बोल रहा है कि हम भेज देंगे, तो ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का, और बिहार की जनता ने इनकी दोहरी चरित्र को अब की पकड़ लिया है, ठीक है, और इसलिए
ठीक है यामिनी मिश्रा जी, यामिनी मिश्रा जी सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी राजेश जी कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र है बीजेपी का, तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि दोहरी नीति खेल रही है भाजपा लोजपा के साथ भी और जेडीयू के साथ भी? देखिए देखिए ऐसा है कि अभी आप चंद मिनट पहले आपने कहा कि देश के हम लोग की आस्था देश के प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है तो वो सभी का होता है, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी के मजहब का होता है, ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सभी का होता है, देश का प्रधानमंत्री से आप गलत बोल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे तो भाजपा के बीच क्या मोनी बाबा का प्रधानमंत्री किसी भी नहीं, कोई दल किसी प्रधानमंत्री को बना सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, प्रधानमंत्री सभी के होते हैं क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री ने दिया बिहार नाम करके हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। अरे पूरे देश के प्रधानमंत्री बोले क्या उनको, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं क्या बोलते हैं नहीं मालूम हमको, जनरल राज ठीक है, देश के प्रधानमंत्री है, लोजपा के प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय है ठीक है। जब मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में जनरल राज है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी सरकार में थे, उसको क्यों नहीं बोलते हैं जनरल राज? सरकार में होना किसी किसी दल में होना ये अलग बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पूरे सवा सौ माननीय प्रधानमंत्री हम लोग मान रहे हैं, लेकिन चुनाव में वो हम सभी दल के थे क्या? ये आप लोग हैं नहीं कर प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में, प्रधानमंत्री को ये नहीं लगता कि लोजपा की जरूरत है बिहार को, उसका जिक्र क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं जिक्र करते हैं? यामिनी मिश्रा जी, ठीक है राजेश जी, यामिनी मिश्रा जी प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह लगता है कि नीतीश बाबू की जरूरत है बिहार को, एक बार फिर से ये नहीं लगता कि चिराग पासवान की जरूरत है या लोजपा की जरूरत है? लोग इस बार बिहार के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रही है और वो देश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी को मानती है, और बिहार के विकास के लिए आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से बिहार सख्त और बिहारी सख्त की बात की, क्योंकि पिछले तीन साल तीन सालों में जितने भी वो तो कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए महागठबंधन के किसी घटक ने कहा कि चिराग जी वोट कटवा है, कौन वोट कटवा कहा उनको, जिनको आप बिल में लेके चल रहे हैं उन्हीं के लोगों ने आपको धन वोट कटवा कहा, महागठबंधन के किसी दल के लोगों को नहीं कहा कि चिराग जी व्यक्ति ने क्या कहा नहीं कहा, प्रधानमंत्री आपके दिल में बसते हैं, लेकिन जो नेता है बीजेपी के वो तो कह रहे हैं कि लोजपा तो वोट कटवा पार्टी है सर। बीजेपी के नेता ने बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ वो बिहार में मिलीजुली सरकार चलाए हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के साथ बीजेपी का अध्यक्ष बोल रहा है, प्रदेश में रहे बोल रहे हैं, बीजेपी के सचिव मोदी जी बोल रहे हैं, बीजेपी के तो है ना सर, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के वो नेता हैं जो आपको वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं। हम लोग तो कहा लड़ रहे हैं, स्वागत है चिराग पासवान जी का, ठीक है। अवधेश जी, अवधेश एक सेकंड, ऐसे नहीं, अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है क्या ये दोहरी नीति है क्या भाजपा की, कि एक तरफ जो बीज, सुन लीजिए सर सवाल सुन लीजिए, क्या ये दोहरी नीति है भाजपा की कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू के साथ गठबंधन से एनडीए के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि एनडीए चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा भी उसमें एक पार्टी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि वो रैलियां करते हैं, रैलियां में चिराग पासवान पर कोई निशाना नहीं साधते, लोजपा पर कोई निशाना नहीं साधते, उनके निशाने पर रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, क्यों, क्या बिल्कुल क्या जो लोजपा है ये विपक्षी पार्टी नहीं है क्या जिसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं बिहार में? देखिए विपक्षी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो गठबंधन है एनडीए के साथ है जिसमें नीतीश कुमार जी को नेतृत्व करने के लिए है बिहार में, ठीक है, जो नेतृत्व जो एनडीए का जो गठबंधन भाजपा का जो गठबंधन है वो एनडीए के साथ है जो नीतीश कुमार जी के साथ है, और भाजपा के लिए एनडीए के लिए बिहार की जनता का ये प्रेम जो आपने देखा तीन चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो बिहार की जनता ने जो प्रेम दिखाया है। मेरा सवाल आपसे क्या है, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आते हैं रैली करते हैं, तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, लेकिन लोजपा और तेजस्वी यादव के विपक्ष में कुछ नहीं बोलते, क्यों?
देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लोजपा को इसलिए नहीं बोलते कि लोजपा से इतना वो नहीं हमारा, जो एनडीए है एनडीए का जो पार्ट है वो नीतीश कुमार जी है, ये बार बार बोला है मोदी जी ने, हर मंच से बोला है। क्या बोला दिया होगा आपने? नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जो जेडीयू है वो एनडीए का पार्ट है, ठीक है, ये मोदी जी ने अपने मंच से बोला है कि नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। मैं ये कह रही हूँ कि लोजपा पे कोई बात नहीं की प्रधानमंत्री ने, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार की जरूरत बिहार को है, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, तमाम बातें बोली है सर, लेकिन ये बात नहीं बोली कि आखिर जो तेजस्वी ये कहा जा सकता है चिराग पासवान या फिर लोजपा, उन पर ना कोई निशाना साधा ना ही उनके विपक्ष कुछ बोला, क्यों? जो कि बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा, लेकिन तीनों ही चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सीधे नजर जो टिकी है वो 10 नवंबर पर टिकी हुई है कि 10 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी और बिहार वासियों ने, बिहार की जनता ने किसको सर आंखों पर बैठाया है, ये पूरी तरह से तस्वीरें 10 नवंबर को साफ हो जाएगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है प्रमोद गोस्वामी जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, सर यही देखा गया कि भाजपा क्या लगता है आपको कि दोहरी नीति पर चल रही है, एक तरफ जेडीयू के साथ गठबंधन एनडीए में सरकार में रहते हुए अब चुनाव भी लड़ा जा रहा है, लेकिन लोजपा से भी रिश्ता खराब नहीं की जा रही, यानी कि प्रधानमंत्री आते हैं रैली करते हैं लेकिन ना लोजपा पर बोलते हैं ना चिराग पासवान पर स्पेशली कुछ बोलते हैं, क्यों, कैसे इसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जो चिराग पासवान जी का या लोजपा का कहना है ये तो ठीक वैसा ही है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये उनकी अपनी सोच है। प्रधानमंत्री ने कहीं भी एक बार भी, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा चिराग के बारे में, चिराग पासवान के बारे में या उनकी पार्टी के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वो बराबर चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का मैं हनुमान हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी भाजपा के साथ हूँ, उस गठबंधन का एक हिस्सा हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसा भी राजीव जी कह रहे थे कि मैं देश के प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, चिराग जी के भी हैं, नीतीश जी के भी हैं, लालू जी के भी हैं, तेजस्वी जी के भी हैं, हमारे हैं और आपके भी हैं, तो प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होता है और वो सभी का प्रधानमंत्री होता है, इसमें तो कहीं कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन ये जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये तो नहीं कहा कि नहीं चिराग जी या उनकी पार्टी के प्रति कोई सहानुभूति दिखाई हो, और भाजपा के सारे लोगों ने, गठबंधन के सारे लोगों ने कहा कि ये वोट कटवा है, तो मुझे लगता है कि देखिए दो चीजें हैं, इसके पीछे राजनीति बड़ी विचित्र होती है जी, जी। इसलिए भी प्रधानमंत्री उस पर मौन साध गए होंगे कि अगर कहीं ये स्थिति होती है कि 10-20 सीटें कहीं लोजपा की आ जाती हैं फॉर एग्जाम्पल, और अगर कहीं हमारी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो हम, वो एक रास्ता उन्होंने पैसेज खोल रखा है कि ताकि अगर कुछ जरूरत पड़े तो फिर हम पासवान का साथ ले सकें, तो राजनीति में सारी संभावनाओं के आधार पर चला जाता है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा खोल दिया जाता है। नेहा जी, चिराग पासवान से दूर दूर तक एनडीए का कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपको बता नहीं, देखिए ये एनडीए के रिश्ता नहीं एनडीए का रिश्ता अभी नहीं, अब तो मतदान खत्म हो गया, सुनिए मैं बता, आप सुनिए, आप सुनिए, कोई बड़े पदाधिकारी है उन्होंने भी ये चीज बोला है, क्योंकि आप सुन लीजिए, एक बात हमारी भी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अब ठीक है कोई रिश्ता नहीं है, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए बसपा से कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन तीन बार सरकार बनवाई तो रिश्ता नहीं था, सरकार क्यों बनवाई, तो राजनीति में इसकी कोई वो नहीं होता है, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो आपको सहारा लेना पड़ा मायावती का, और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है, और ठीक है तो इसलिए यामिनी मिश्रा जी राजनीति में आप ये ठीक है, यामिनी मिश्रा जी जिस तरह से हालात और जिस तरह की स्थितियां रही बिहार में, जिस बात का जिक्र अभी प्रमोद जी कर रहे थे, वही स्थिति देखी जा रही थी क्या, मान ना मान तू मेरा मेहमान, यही वाली स्थिति थी क्या, कि भाजपा भले ही साथ ना होने की बात कर रही है लेकिन आप तो यही कह रहे हैं कि हम तो भाजपा के सहारे ही अपनी नैया पार लगाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और कृपया इसको सुना जाए, बीच में हाँ, अगर एक दूसरे लोग बात करेंगे तो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जब
विकास की बात करते हैं और हमारे नेता बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। कमोबेश 3 साल में 15 साल नीतीश जी और 15 साल लालू जी ने सरकार चलाई, उन्होंने अभी तक कोई डेवलपमेंट, कोई रोजगार, कोई शिक्षा के तहत कोई बात नहीं हुई और वो लड़ाई लड़ते रहे बिहार पे राज करने के लिए, लेकिन हमारे नेता लड़ाई लड़ते हैं बिहार पे राज करने के लिए। आप तो फिर वही बात कर रहे हैं सर, बिहार में आप नहीं थे क्या सरकार में? सर आप बिहार में सरकार में नहीं थे क्या? बेशक ये आपको चुनाव से पहले क्यों याद आ जाता है कि बिहार में विकास नहीं हुआ, उससे पहले क्यों नहीं याद आता सर? जी पे उलाहना क्यों कहा जाए कि पहले वो सुने, धैर्य रखें, पहले उनको कहा जाए सुने। नहीं, चुनाव से पहले आपको लगता है विकास नहीं हुआ, चुनाव से पहले आपको लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, चुनाव से पहले आपको लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, चुनाव से पहले आपको लगता है शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है सर, ये आप लोगों को पूरे 5 साल क्यों नहीं लगता है? मैडम मैं आपको बताना चाहूं कि पिछले साल भर से मेरे नेता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट किया और उन्होंने लगातार नीतीश कुमार जी को संपर्क करने का प्रयास किया है और ये इसी विकास के लिए और जो भी चीज पिछले 1 साल से तो सर चुनाव की तैयारियां ही चल रही है ना, उसी के तहत तो आप बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत काम कर रहे हैं, 1 साल से तो चुनाव की तैयारियों में ही जुटे हैं। ये चुनाव के समय हम लोगों ने शुरुआत नहीं करी, हम लोग पिछले साल डेढ़ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे काम कर रहे हैं। सीधे बोले ना सर कि आपकी दाल नहीं गली एनडीए में, इसलिए आपने अलग रास्ता अख्तियार किया, सीधे बोलिए ना ये बात, एक्सेप्ट करिए। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि स्वतंत्र भाव नरका आदम्ब, वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या मिसाल, पाव विधि के लिपि पे धर सकता है। हमारे नेता बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ाई, बिहार की खोई हुई अस्मिता की लड़ाई, आज नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व के गौरव बन के पटल पे छा गया रहता, लेकिन नहीं, पिछले 15 साल में नहीं हुआ, पिछले 30 साल में नहीं हुआ। तो एक युवा बिहार के तमाम युवाओं के संकल्प को लेकर संकल्पित हुआ और आगे आया कि बिहार को बेहतर कैसे बनाए, बिहार को शिक्षित कैसे बनाए। 2005 में भी तो आपने अलग रास्ता अख्तियार किया था, 2005 में भी तो किया था, उसके बाद अब फिर क्या लगता है कोई फायदा हुआ या होगा? देखिए हम लोग 2005 के बाद जो जनता ने हम लोग को जनमत दिया उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन इस बार जब 2020 की लड़ाई लड़ने आगामी चिराग पासवान जी आए तो बिहार के 58% युवाओं ने ये संकल्प लिया और उनके संकल्प के साथ संकल्पित हुए, तभी ये भीड़ नजर आई, क्योंकि वो हर मुद्दे के साथ खड़े नजर आए कि बिहार में पलायन का मुद्दा हो, बिहार में शिक्षा का मुद्दा हो, बिहार में डिग्रियां जो 3 साल में होती हैं वो 5 साल में मिलती हैं, बिहार में जो छात्राओं को सुरक्षा का भाव है उसके तहत उन्होंने प्रश्न उठाए। और हमेशा गठबंधन के सहयोगी होने के नाते वो कभी भी गठबंधन धर्म भी निभाए हैं। सर अगर आप कहते हैं विकास नहीं हुआ, अगर आप कहते हैं बिहार में विकास नहीं हुआ, तो सर उसके तो भागीदार आप भी हैं क्योंकि मौजूदा सरकार में आप भी थे, तो क्या नहीं लगता? मैं मौजूदा सरकार में था लेकिन उसमें हमारे सरकार के कोई भी पिछले 2 साल से नहीं रहे और हमारे नेता ने हमेशा ये बात रखी है और नीतीश जी ने जिस तरीके से उनको उनके सर आप कह रहे हैं बात रखी लेकिन बातों को सुना नहीं गया, तो ये कैसे तय हो कि अगली बार जब आप फिर से गठबंधन से सरकार बनाएंगे तो आपकी सुनी जाएगी? स्पेशल एडिशन में बात हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है, अब सभी की निगाहें टिकी है 10 तारीख पर, क्योंकि 10 तारीख को पूरी तरह से तस्वीरें और ये चीज़ें साफ हो जाएगी कि आखिर बिहार की जनता ने किसे चुना है और कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा सराहा है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है प्रमोद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखा हमने इन चुनाव प्रचार के दौरान और जब चुनाव हुए, 3 चरणों में ही चुनाव हुए और चुनावों में हमने देखा कि युवा वोटर और खासतौर पर महिलाएं, सर आज भी हमने सुबह से देखा कि महिलाएं किस कदर लंबी लंबी कतारों में खड़ी रहीं अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए एक लंबी कतारों में खड़ी रही, अपनी बारी का इंतजार करती रही, ये जोश और ये उत्साह सर बिहार की राजनीति में क्या बताता है, खासतौर पर जब महिलाएं घर से बाहर निकले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए? देखिए 2-3 चीज़ें बिहार के इस चुनाव में अब की हट के थोड़ा लीक को तोड़ने का काम हुआ है। एक तो बिहार इस बात के लिए मशहूर है कि वहाँ पूरी तरीके से जाति अगत राजनीति, जो जिसे कबीलाई राजनीति कहते हैं, ये बिहार का एक राजनीति का चरित्र रहा है। इस बार वो जातिगत समीकरण या जातिगत आधार थे वो कमजोर हुए हैं कहीं कहीं।
दूसरा इसमें कोई दो राय नहीं कि जो महिलाएं निकली हैं ये भी अपना एक संदेश देने का काम किया है, जो महिलाएं ने कतारबद्ध हुई हैं। एक तो नीतीश जी ने जो शराबबंदी की है, निश्चित रूप से महिलाओं का कहीं ना कहीं नैतिक मौन या वोट का जो भी हो उसका एक समर्थन नीतीश जी के साथ तो निश्चित रूप से एक सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए। तो वो एक संदेश तो ये इससे ये संदेश तो जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की जो कतार है वो नीतीश जी के प्रति कहीं ना कहीं सद्भाव रखती होगी। तो वो लेकिन वो कितना कन्वर्ट हुआ है कितना नहीं हुआ है, लेकिन इससे वहाँ की बिहार की महिलाओं ने हमेशा इसकी सराहना की है या उन्होंने इस कदम को एक अच्छा माना है, अच्छा माना। निश्चित रूप से दूसरी बात ये कि हालांकि 10 को इसके परिणाम आएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तय है कि 10 तारीख को ये बात तो तय हो जाएगी कि नीतीश जी का संन्यास होगा या लालू जी की जेडीयू का पुनर्वास होगा। ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये 10 तारीख को ही तय होंगी। बिल्कुल 10 तारीख को पूरी तरह से तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, 243 सीटों पर चुनाव संपन्न, बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया है, एक भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। भाजपा खासतौर पर एनडीए क्या अब उम्मीद करती है चुनावों के संपन्न होने के बाद, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं आप? देखिए मैं बताऊं आपको, बिहार की जनता है, जनता का जनादेश जो है माननीय नीतीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित है। और महागठबंधन जो है, महागठबंधन कहूंगा मैं तो, इसका जो पूरा सुपड़ा साफ है बिहार, क्योंकि बिहार की जनता जान चुकी है कौन विकास चाहता है और कौन जंगल राज चाहता है। जो युवराज है वो अपने सिंहासन बचाने के चक्कर में, जंगल राज दोबारा लाने के चक्कर में है। ठीक है, बिहार की जनता को सब समझ है। ठीक है, और 2/3 से ज्यादा पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। मैं आपको बता दूं, आज 10 तारीख को आप भी होंगे, आप ही ये चीज मतलब बताओगे सब। ठीक ठीक है राजेश जी, एनडीए की सरकार बनने जा रही है ये दावा कर रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी, लेकिन सर महागठबंधन कितनी सीटें निकाल रहा है? क्योंकि एक तरफ एक अनुभवी चेहरा तो दूसरी तरफ एक युवा चेहरा जो प्रदेश को बदलने का मादा रखने की बात करता है, कितनी सीटें आप निकालने की बात कर रहे हैं? पूरा देश और प्रदेश जान गया कि युवा चेहरा अनुभवी पर भारी पड़ गया। उनका अनुभव जो था वो ठगबंदी का अनुभव था, लोगों को गुमराह करने का अनुभव था, और सारे इसलिए सारे देखने की सारे लोगों ने भारी पड़ गया। और हम लोग आपको बताए कि अब तो चुनाव आज संपन्न हो गया तीनों चरण का, और तीनों चरण चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले का जो गठबंधन है वो 160 से 170 के बीच में, 160 से 70 के बीच में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन कांग्रेस का जो साथ है हम लोग 170 के लगभग जीतने की ठीक है जीत रहे हैं। आप देख लीजिएगा 10 तारीख को परिणाम आ जाएंगे सारे की। चलिए दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन यामिनी मिश्रा जी, क्योंकि आप भी 143 ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास अवधेश जी। यामिनी मिश्रा जी, सवाल इस बात को लेकर है, 143 सीटों पर आप भी चुनाव लड़े हैं सर, 143 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत हासिल हो रही है लोजपा को? मैम ये मैं कैसे कह दूं कि मुझे 143 में से 143, और ये कैसे कह दूं कि कम से कम, ये तो जनता 10 तारीख के दिन अपना जनमत दे देगी। और जिस तरीके से आशीर्वाद बिहार की जनता ने आदरणीय चिराग पासवान जी को दिया है, क्योंकि तो इस बार ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, कोई व्यवहारिक लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई थी, और इस लड़ाई में बिहार की जनता सतत आदरणीय चिराग पासवान के साथ खड़ी नजर आई। और 10 तारीख के दिन ये तय हो जाएगा कि कितनी सीटें आएंगी। मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, और कमोबेश मुझे लगता है कि बिहार की जनता का जिस तरीके से आशीर्वाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में मिला है, ये वोट के माध्यम से नजर आएगा। चलिए, इन दावों और वायदों के बीच हकीकत क्या है ये तो 10 तारीख को ही साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही, नमस्कार।